नमस्कार किसान साथियों, मैं आपका दोस्त नरेंद्र पोरवाल आपके अपने यूट्यूब चैनल देश किसान हमारे किसान में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। किसान साथियों, प्याज भंडारण की जानकारी तो हमने चैनल पर डाल दी है, जिसमें जाली पर प्याज कैसे डालना है, क्या क्या सावधानी रखनी है, प्लस में कट्टों में प्याज भरते समय क्या सावधानी रखनी है, कितने दिन तक रख सकते हैं और उसमें क्या क्या सभी सावधानियाँ रखनी है, संपूर्ण जानकारी दे दी है। पर आज के वीडियो में हम जानकारी देने वाले हैं, क्योंकि किसान भाइयों को प्याज भंडारण करने के बाद में कुछ समस्याएँ आती हैं, जैसे कि प्याज के अंदर कार्बन आ जाता है और काफ़ी ज़्यादा उसमें जो काली मस्सी होती है वह जम जाती है और कार्बन से फिर प्याज गीला होता है और गीला होकर फिर ख़राब होने की समस्या उसमें आती है। तो उस समस्या से कैसे बचना चाहिए, उसके लिए क्या उपाय करना चाहिए, वह समस्या क्यों आती है, उसकी शुरुआत कहाँ से होती है, कौन कौन सी किसान साथी कौन कौन सी गलतियाँ करने से बचकर उस समस्या से बच सकते हैं और अगर आ चुकी हैं तो कौन कौन से उपाय उनको करने हैं, उन सभी की जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। तो आप पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें, जिससे आपको पूरी जानकारी समझ में आए, जानकारी पसंद आए, मेहनत पसंद आए तो आप लाइक के रूप में अपना प्यार हम तक जरूर पहुंचाएं और ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों तक व्हाट्सएप, फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जरूर पहुंचाएं, जिससे वह भी इस जानकारी का लाभ ले सकें और हमारी मेहनत सफल हो। और खेती से संबंधित, मंडी भाव से संबंधित और किसानों से जुड़े मुद्दे की जानकारी, सभी जानकारियां समय समय पर प्राप्त करने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और पास में लगा घंटी का बटन भी जरूर दबा दें, जिससे हम जो भी जानकारी की वीडियो डालेंगे वह बिना देरी के आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाएगी। और विशेष सुविधाएं प्राप्त करने के लिए, जैसे फोन कॉल, व्हाट्सएप पर हमसे चर्चा करने के लिए, आप हमारी मेंबरशिप ज्वाइन बटन दबाकर ले सकते हो। काफी कम शुल्क में वहां पर आपको मेंबरशिप मिल जाएगी और आपको विशेष सुविधाओं का लाभ भी मिल सकता है। और आप फ्री में सुविधा चाहते हो तो सब्सक्राइब करके भी फ्री सुविधाएं ले सकते हो। तो आइए जानकारी शुरू करते हैं। किसान साथियों, जानकारी शुरू करें उससे पहले, जब गर्मी का समय होता है और प्याज भंडारण करते हैं तो आपको जो फैन अंदर लगे होते हैं वह किस समय और कितने टाइम तक चलाने हैं, उसमें क्या सावधानी रखनी है, ज़्यादा चलाने के क्या नुकसान है, फैन अगर कम चलाते हैं तो उसके क्या नुकसान है, ऐसी जानकारी की वीडियो भी चैनल पर डाल दिए हैं। आप वह भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या चैनल पर लिंक के माध्यम से जाकर देख सकते हो, या फिर एक चैनल पर जाकर प्ले लिस्ट आएगी ओनियन की, उसमें जाकर प्याज भंडारण से संबंधित जानकारियाँ दे रखी हैं, आप सभी वीडियो देख कर वह जानकारी भी ले सकते हो। अब बात करें तो काली मस्सी या जो फंगस होती है या जो कार्बन की समस्या आती है, उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? तो किसान साथियों, उसकी शुरुआत खेत से ही होती है। जब हमारी फसल खड़ी होती है और उसमें हम समय हो जाने के बाद या फसल परिपक्व होने के बाद भी अगर हम उसमें सिंचाई करते हैं या लेट तक सिंचाई करते हैं तो वह कार्बन की समस्या उसमें अधिकतर देखने को मिलती है। या हमने सिंचाई नहीं की और बेमौसम बारिश हो गई और खेत में पानी गिर गया तो उसके कारण क्या होता है, प्याज की जो पन्नी होती है परिपक्व होने के बाद ऊपर की पन्नी सूख जाती है और उसके अंदर पानी घुसने के कारण वहाँ पर नमी जो है स्टोर हो जाती है और वह नमी सूखती भी नहीं है बहुत दिनों तक, और फिर जब सूखती है तो वह काली फंगस का रूप ले लेती है और उसी काली फंगस को हम कार्बन की या जो काली मस्सी की जो बीमारी होती है वह बोलते हैं। और जो प्याज हमारा सूखा होता है, जिसमें हम समय पर पानी बंद कर देते हैं, हमने जानकारी के माध्यम से वीडियो भी डाला है कि आपको लास्ट सिंचाई कितने दिनों पर करनी चाहिए जिससे वह समस्या नहीं आएगी, तो वह जब हम लास्ट सिंचाई समय पर कर देते हैं या बेमौसम बारिश से हमारी फसल बच जाती है तो उसमें बिल्कुल भी समस्या नहीं आती है। आप स्क्रीन पर सभी प्याज देख सकते हो, किसी भी प्याज में वह समस्या आपको देखने को नहीं मिलेगी। और जिस आज में लेट तक सिंचाई करते हैं या पानी ले लेता है उसमें कार्बन की समस्या आती है और कार्बन में फिर वहां पर काला काला पाउडर जम जाता है और उसके अंदर का पत्ता हम खोलते हैं तो वहां पर बिल्कुल ही सफेद पन्नी हो जाती है, प्याज गीला होने लगता है और वह खराब होने की समस्या वहां से शुरुआत हो जाती है। तो यह तो हो गई काली मस्सी कैसी होती है और इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, इसकी समस्या। अगर अपने भंडारण में कोई दिक्कत नहीं है जब तो ठीक है, अगर काली मस्सी उसमें आ चुकी है तो आप उसमें उपाय के रूप में आप कर सकते हो, जो फिनाइल की गोलियां आती हैं उसे हम हमारे भंडारण में कुछ ज़्यादा मात्रा में डालकर उस फंगस को वहीं पर हम रोक सकते हैं। उसके लिए हमें, जब प्याज हम भंडारित करते हैं तब तो गोलियां डालते ही हैं, उसके बाद में अगर भी हमारे भंडारण में फंगस ज़्यादा मात्रा में दिख रही है तो फिर हम फिनाइल की गोलियां, जो फैन होते हैं उसकी जाली होती है उसके अंदर प्रति फैन में 100 से 150 ग्राम गोली डाल सकते हैं, या क्वांटिटी में बात करें तो 30 से 40 गोली उसके अंदर हम डालकर फैन चलाएँगे, तो जिसके कारण हवा पूरी तरह से नीचे तक जाकर जो आ रही है उसके साथ फिनाइल की जो गैस होती है वह भी जाएगी, जिसके कारण काफ़ी हद तक उस फंगस को
मारने की जो है फिनाइल की गोलियां काम करेगी और उससे हमारी फंगस वहीं पर रुक जाएगी, वह आगे दूसरे प्याजों में नहीं बढ़ेगी या प्याज के अंदर है तो दूसरी अंदर वाली पत्ती को डैमेज नहीं करेगी, जिससे हमारा प्याज सूखा, स्वस्थ और जो है बिल्कुल ही कलरफुल हमारा माल बना रहेगा और उसमें जो खराब होने की समस्या बिल्कुल ही कम आएगी। तो वहां से हम फिनाइल की गोलियां डाल सकते हैं, कितनी डालनी है वह भी हमने आपको बता दिया है, तरीका भी बता दिया है। उसके बाद में प्रत्येक जो हमारा ढेर होता है उसके अंदर 5-5 फीट की दूरी पर, प्रत्येक 5 फीट की दूरी पर हम 3 से 4 गोली प्रति 5-5, 6-6 फीट की गैप पर रख सकते हैं। जैसे एक गोली यहाँ रखी, 1 फीट की दूरी पर फिर रखी, ऐसे करके प्रत्येक 5 फीट पर 5 गोली हमें रखनी है, जिससे कि प्रत्येक फीट पर 1-1 गोलियाँ हो जाएगी और फिर अंदर भी हम जो है ज़्यादा ढेर ऊंचा तक है तो वहाँ पर भी हम डाल सकते हैं। उस प्रकार से हम लगभग 1-1.5 फीट के अंतराल पर गोलियाँ बिछा देंगे ऊपर, जिसके कारण ऊपर से जो नमीदार हवा चलती है बारिश की, जो पहले की प्री मानसून की, उसके कारण जो फंगस ऊपर के प्याज पर आएगी वह समस्या भी हमें देखने को इसमें नहीं मिलेगी। तो किसान साथियों, ये हो गई जानकारी, आपको खेत से ही सावधानी रखनी है, लास्ट सिंचाई समय पर करनी है, उसकी जानकारी का वीडियो डाल रखा है वह देखकर अगर लास्ट सिंचाई हम समय पर करते हैं तो हमारी प्याज की फसल में या भंडारण में फंगस बिल्कुल भी नहीं आता है। उसके कारण, दूसरे कारणों के कारण या बेमौसम बारिश के कारण अगर प्याज ने पानी ले लिया है तो उसमें फंगस की समस्या आती है, तो उसकी रोकथाम के लिए हमने उपाय भी आपको बता दिया है, तो यह उपाय कर सकते हैं। उसके बाद में आपको अगर कट्टों में प्याज भर रखा है तो कट्टों के अंदर भी हम फिनाइल डालकर इस समस्या से बच सकते हैं। कट्टों की प्याज भंडारण की पूरी प्रक्रिया का वीडियो भी डाल दिया है, आप वह भी देख सकते हो। इसके अलावा आपके कोई सवाल या सुझाव हो तो आप वह भी कमेंट में ज़रूर बताएं, जिससे हम आपके सवालों के जवाब भी देंगे, आपके कोई सुझाव होंगे तो वह भी ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। बाकी जानकारी को अगर आपने पूरा देखा है तो जय हिंद कमेंट जरूर करें, जिससे हमें पता चल सके कि कौन कौन किसान भाई हमारी जानकारी को पूरा अंत तक देखते हैं। और किसान साथियों, चैनल पर जाकर बहुत सारे काम के वीडियो डाल रखे हैं, आप वह भी जाकर देखें, उन्हें भी लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो किसान साथियों, फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।